Good morning students welcome to online classes of fernal learn school i hope you uh, i hope you are safe and healthy today we will learn subject gk standard uh, second unit 5 and 6 this is part 1 so open the book and see the page number 38 आपकी स्टैंडर्ड टू की जीके की बुक्स है अभी आपको क्या करना है अपनी ये वाली बुक अभी आपको भी साथ में अपनी बुक्स ले लेनी है और एक पेंसिल ले लीजिए और साथ में हम पेज नंबर थर्टी एट को ओपन करेंगे ओके पेज नंबर थर्टी एट में देखेंगे हमारा क्या है पेज नंबर थर्टी एट में देखिए क्या है यूनिट फाइव है नेशनल एम्बल्स इसमें दिस चैप्टर इज़ रिलेटिव टू आवर कंट्री इंडिया सब नेशनल एम्बल्स आर गिविंग विलो अब यहाँ पर है आप देख रहे हैं यहाँ पर पिकॉक की पिक्चर है यहाँ पर लोटस है ओके तो यहाँ पर हम लोगों को नेशनल के बारे में एम्बल्स के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर हमें सब वन बाई वन हम देखेंगे ओके तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में क्या है द नेम ऑफ आवर कंट्रीज़ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी कंट्री का नाम क्या है हमारे कंट्री का नाम क्या होगा इंडिया ओके ओके तो हमारे कंट्री का नाम क्या हो गया इंडिया अब सेकेंड है द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज अब हमारा कैपिटल क्या है कंट्री का तो हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली ओके फिर थर्ड नंबर पूछा जा रहा है द नेशनल गेम्स ऑफ आवर कंट्री इज अब हमारा नेशनल गेम कौन है कंट्री का तो हो जाएगा हॉकी ओके फिर फोर्थ नंबर पे है द नेशनल फ्लावर ऑफ़ आवर कंट्रीज अब आपका फ्लावर का नाम क्या है तो हो जाएगा लोटस ओके अब यहाँ पे बर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अब आपकी नेशनल बर्ड्स ऑफ आवर कंट्रीज तो राइट आंसर हो जाएगा पिकॉक ओके फिर सिक्स नंबर पे है द नेशनल एनिमल्स ऑफ आवर कंट्री अब आपके नेशनल एनिमल्स कौन सा है तो हो जाएगा टाइगर फिर यहाँ पे द नेशनल सॉन्ग्स ऑफ आवर कंट्री इज तो हो जाएगा वंदे मातरम एट नंबर पे है द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री इज तो हो जाएगा जनगण मन ओके अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर में देखेंगे उसमें क्या है तो इस पेज में हम देखेंगे प्लेस टू सी ओके तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेस दी हुई है सबके आप पिक्चर देख रहे हैं तो प्लेस को क्या करना है अभी हमें नाम के साथ सारे प्लेस को पहचानना है ओके तो भी आपको ध्यान से सुनना है और कौन सी प्लेस है और उसको हम पहचानेंगे उसके नाम और उसके पिक्चर के साथ तो फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ड्यूरिंग योर अपकमिंग समर वेकेशन वुड यू लाइक टू विजिट ब्यूटीफुल प्लेस सम्पोस्ट एंड गिविंग विलो तब यहाँ पर देखिए रेड फोर्ट रेड फोर्ट कहाँ पे है दिल्ली में है ओके फिर यहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है मुंबई में ओके ताजमहल कहाँ पे है तो आप सबको पता होगा ताजमहल कहाँ है ताजमहल आगरा में है फिर फोर्थ नंबर है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है न्यू दिल्ली ओके फिर यहाँ पर फिर फाइव नंबर पे देखेंगे चार मीनार ये कहाँ पे है तो चार मीनार हैदराबाद में है और दिखने में कैसा लगता है इस तरह का जैसा पिक्चर दिख रहा है इस तरह ही ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे अब देखिए ये पिक्चर देखिए जयपुर में है ओके फिर यहाँ पे है कर्नाटक में देखिए मैसूर पैलेस कहाँ पे है कर्नाटक में देखिए कितनी बड़ी पैलेस है ये उसके बाद है इंडिया गेट इंडिया गेट कहाँ पे है इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है ओके और दिखता कैसा है इस तरह से ओके okay, तो इस पेज में अब हमारा हो गया अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अब नेक्स्ट पेज में देखिए डांस फॉर्म्स लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या है अलग अलग टाइप से डांस दिए हुए हैं सब डांस को भी हम पहचानेंगे कि वो डांस किस जगह की फेमस है ओके okay? देखिए आप देखिए पिक्चर में इस तरह की अलग अलग डांस है तभी तो अब हम वन बाई वन सारे डांस के बारे में यहाँ पर नाम पता करेंगे और किस तरह से होता है वो भी देखेंगे पिक्चर में ओके okay? सो so, यहाँ पे डांस एंड द डांस फ्रॉम आर फेमस इन वर्ल्ड वाइड सम क्लासिकल डांस फ्रॉम द द इंडियन कल्चर आर गिविंग विलो ओके तो यहाँ पे है एक डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश इज द नो फॉर द करेक्टर एंड द जेसफर मोमेंट्स आप देख रहे हैं किस तरह मोमेंट्स में ये डांस किया जा रहा है ओके okay, फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड है भारतनाट्यम डांस फ्रॉम ऑफ साउथ इंडियन ये कहाँ का फेमस है साउथ इंडियन का तमिलनाडु में साउथ इंडियन का तमिलनाडु में टू इयर्स से यहाँ पे टेंपल में ये डांस होती है ओके okay? फिर यहाँ पर है बेस्ट द मोस्टली ऑफ द लॉर्ड कृष्णा ओके तो इस तरह की डांस यहाँ पे होती है अब यहाँ पे है कथक डांस फ्रॉम ऑफ द नॉर्थ इंडिया डांस इंडिया कथक तो ये डांस आप देख रहे हैं यहाँ पे इस डांस को फिर यहाँ पे मणिपुरी इज द डांस फ्रॉम ऑफ मणिपुरी इट इज ए परफॉर्म्ड ऑन रीजनल ऑकेजन इन द टेम्पल एंड ही इज बेस्ड ऑन डेम्स तो आप देख रहे हैं ये डांस को फिर लास्ट है यहाँ पे कथकली कथकली कहाँ का केरला का है फेमस डांस ओके ये रामायण और महाभारत में ज़्यादा ये डांस को किया जाता है अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे यहाँ पे अब इस पेज में देखिए इस पेज में फेमस इंडियंस अभी यहाँ पिक्चर ऑफ़ द सम फेमस इंडिया आर द गिंग यहाँ पे क्या करना आपको नाम के साथ सबको पहचाने है यहाँ पर भी सबका नाम लिखा हुआ है और पिक्चर है तो हम साथ में वन बाई वन नाम के साथ पिक्चर को पहचानने की कोशिश करेंगे ओके तो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की है ओके ये सब फेमस इंडियंस हैं तो आप रविंद्रनाथ टैगोर की पिक्चर देखिए इनके नाम और इनको पहचानिए अब सेकंड है दयानंद सरस्वती ओके फिर ये थर्ड पिक्चर में है महात्मा गांधी ओके इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे फोर नंबर फोर नंबर पर देखिए किसकी पिक्चर है भगत सिंह ओके और फाइव पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सिक्स में है सुभाष चंद्र बोस उस तरह से सेवन्थ में है सरोजनी नायडू नायडू और एट में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके और नाइन में है बाल गंगाधर तिलक तो इसमें हम सबको नाम के साथ और फेस देख के हमें पहचानना है ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अब नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे आवर फेस्टिवल है अब यहाँ पर हमारा फेस्टिवल हमारा त्यौहार अब यहाँ लिखा हुआ है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल फेस्टिवल आर द टू टाइप्स ए इंडिया एंड द नेशनल ओके तभी यहाँ पर हम सारे इंडिया का फेस्टिवल के बारे में जानकारी लेंगे ओके okay? जैसे सब आपको पता होगा फिर भी एक एक बार हम वन बाई वन देखेंगे तो ये देखिए ओनम ओके सेकेंड है दिवाली और थर्ड है दशहरा अब दिवाली में देख रहे हैं पटाखे फोरे जा रहे हैं और दशहरा में रावण का दहन हो रहा है ओके okay? फिर एक कलरफुल फेस्टिवल है आपका होली ओके फिर फाइव में है क्रिसमस क्रिसमस डे आता है ना ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को तो ये हो गया क्रिसमस डे फिर अभी सिक्स नंबर देखेंगे सिक्स नंबर पर देखिए ईद ओके ईद का फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं सब लोग फिर सेवन्थ में है गणेश चतुर्थी आपको पता है गणेश जी की पूजा आती है तब इस पूजा को क्या बोलते हैं गणेश चतुर्थी ओके फिर तो गुरु गुरुपुरब है और फिर लास्ट में नाइन नंबर पे है रक्षाबंधन आप सबको पता है रक्षाबंधन में क्या करते हैं सिस्टर अपने ब्रदर्स को राखी बांधती है ओके अब नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे अब इस पेज में क्या है स्टेट लैंग्वेज अब यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में तो इंडिया इज ए कंट्री इट हैज ए सर्बर स्टेट एवरी स्टेट हैज़ इट्स आवर लैंग्वेज सम स्टेट वाइज पिक्चर आर गिविंग विलो बी तेयर स्वीट लैंग्वेज तब अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई स्पीक बंगाली अब वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज चलती है तो बंगाली वहाँ की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं बंगाली सेकेंड है आई एम फ्रॉम राजस्थान आई स्पीक राजस्थानी तो जो राजस्थान में रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं राजस्थानी में और जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो बंगाली में बोलते हैं ओके अब यहाँ पर थर्ड नंबर देखेंगे थर्ड में देखिए थर्ड के पिक्चर में आई एम फ्रॉम पंजाब आई स्पीक पंजाबी तो जो पंजाब में रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं पंजाबी ओके फिर फोर्थ है यहाँ पे, आई एम फ्रॉम गुजरात आई स्पीक गुजराती तो जो गुजरात में रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं गुजराती में ओके फिर यहाँ फाइव में है आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र आई स्पीक मराठी अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो कैसे बोलते हैं मराठी उनकी लैंग्वेज कौन सी है मराठी फिर क्वेश्चन नंबर ये नंबर सिक्स देखेंगे अभी आई एम फ्रॉम कश्मीर आई स्पीक कश्मीरी अब कश्मीर के लोग कैसे बोलते हैं कश्मीरी में ओके okay, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अब देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट सिक्स भी आ गया क्योंकि यूनिट फाइव में एमसीक्यू नहीं था तो हम यूनिट सिक्स भी अटेंड कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तभी डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं उनको हम पहचानेंगे ओके देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है हु इज द हेड ऑफ योर स्कूल अब आपके स्कूल के हेड कौन होते हैं तो आपको सबको पता होगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारे स्कूल के हेड होते हैं ओके अब उसी तरह से सेकेंड नंबर है हु इज द हेड ऑफ एरोप्लेन अब एरोप्लेन का हेड कौन होता है तो आंसर हो जाएगा पायलट ओके फिर थर्ड नंबर में है हु इज द हेड ऑफ किंगडम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे किंग ओके अब यहाँ पे फोर्थ नंबर देखेंगे हु इज द हेड ऑफ फिल्म मेकिंग तो फिल्म मेकिंग के हेड को क्या बोलते हैं डायरेक्टर ओके फिर यहाँ पे हु इज द हेड ऑफ़ ए टेम्पल अब टेम्पल के हेड को क्या बोलते हैं प्लीज मतलब पुजारी वहाँ के जो पुजारी होते हैं फिर यहाँ पे है हु इज़ द हेड ऑफ़ ए बैंक अब बैंक का हेड कौन होता है तो हो जाएगा मैनेजर ओके okay? फिर है हु इज़ द हेड ऑफ़ ए रेलवे स्टेशन अब रेलवे स्टेशन का हेड कौन है स्टेशन मास्टर ओके फिर एट है हु इज़ द हेड ऑफ़ ए न्यूज़पेपर अब न्यूज़पेपर का हेड कौन होता है एडिटर फिर नाइन में है हु इज़ ऑफ ए टीम तो टीम का हेड कौन होता है कैप्टन ओके okay? फिर टेन नंबर पे है हु इज़ द हेड ऑफ़ ए हॉस्पिटल हॉस्पिटल का हेड कौन होता है मेडिकल ऑफिसर तो इस तरह से सबके हेड को हमें पहचानना है जैसे हु इज़ द हेड ऑफ़ बस अब बस का हेड कौन होता है तो कंडक्टर ओके okay? फिर हु इज़ द हेड ऑफ़ कमेटी का तो कौन हो जाएगा चेयरमैन हु इज़ द हेड ऑफ़ द इंडिया आर्मी तो हो जाएगा जनरल तो इस तरह तो से हम सारे हेड को जानेंगे ओके अभी हम नेक्स्ट पेज यहाँ पर पे टर्न करेंगे अब इस पेज भी हम देखेंगे देखिए म्यूजिकल अब यहाँ पर म्यूजिकल में कौन कौन सा पिक्चर दिया हुआ है इसको भी नाम के साथ अभी हम, हम पहचानेंगे ओके तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एवरी वन इज़ ए वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक सम इम्पॉर्टेंट म्यूजिक आर द गिविंग विद द देयर नेम्स अब यहाँ नाम लिखा हुआ है देखिए सितारा कैसा होता है आप पिक्चर देख के पहचानना है आपको फिर यहाँ पे गिटार है ये आपको देख के पहचानना है फिर यहाँ पे आपकी बाँसुरी जो आप बाँसुरी बजाते हैं वो इस तरह का होता है ओके फिर यहाँ पे देखिए ड्रम है तो ड्रम आप सब ने देखा होगा फिर ये ढोलक है फिर यहाँ पे देखिए तबला ओके तो इस तरह से सारा का नाम दिया हुआ है तो हमको क्या करना है नाम के साथ सबको पहचानना है ओके अभी नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे अब इस पेज में देखिए हेल्थ एंड हाइजीनिक अब आपके हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं ओके okay? तो वी ऑल शुड बिंग द हेल्थ टू स्टे हेल्थ वी मस्ट हैव सम हेल्थिंग हैबिट्स सम टिप्स आर द गिविंग वी टू कीप एस हेल्थी ओके फर्स्ट ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट टू तो कीप देम क्लीन एंड हेल्दी तब तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको ब्रश टू टाइम्स करना चाहिए सो सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले ओके फिर यहाँ पे वी सूट टेक बात डेली आपको डेली नहाना चाहिए ओके थर्ड में है वी सूट कीप आवर नेल्स क्लीन एंड द कट देम विद ए नेल कटर आपकी जो नेल्स है उसको वन वीक में आपको नेल कटर से कटिंग कर देना चाहिए ओके नहीं तो आपकी नेल गंदी हो जाएगी और नेल गंदी आपकी रहेगी तो आप जो भी खाना खाओगे उसकी जो भी जम्स गंदगी है वो आपके बॉडी के भी अंदर जाती है इसलिए हम लोग को वन वीक में अपनी नेल को कटिंग कर ही देना चाहिए ओके फोर्थ में है यूज याडी चिप्स टू कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड तो देखिए आपको अपने साथ हमेशा सा हैंकी यूज करना है क्योंकि तो आपको कभी खांसी कभी सर्दी हो जाती है ना तो अपनी हैंकी हम यूज करते ओके फिर फाइव नंबर पे है वाश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मेल अब आपको अपनी हाथ धोना चाहिए खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद फिर यहाँ सिक्स नंबर पे है एक्सरसाइज किप्स आवर बॉडी फिट और हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए सेवन्थ नंबर पे है सेवन नंबर पे देखिए वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर और हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए ओके फिर यहाँ पर है फूड गिविंग अस एनर्जी हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए अपने बॉडी में फूड एनर्जी के लिए फिर नाइन नंबर है वी शुड हैव आवर मील एट फिक्स टाइम एवरी डे हमें अपना खाना डेली फिक्स टाइम पे खाना चाहिए ओके फिर टेन पे है ऑलवेज प्ले ओनली इन ए प्ले ग्राउंड और पार्क हमें जब भी खेलना हो तो कहाँ खेलना चाहिए प्ले ग्राउंड में या फिर पार्क में ओके okay? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर यूनिट फाइव एंड सिक्स एंड होता है अब अब नेक्स्ट डे हम इसके एम में मिलेंगे सोल्यूशन वीडियो में ओके सो थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय